आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के अंदर हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है, कि क्या इसको यूज़ करने के तरीके हैं, कैसे इनको बनाना है और क्या इनका इम्पैक्ट बच्चों की लर्निंग के ऊपर पड़ेगा, आज हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने इसके मीनिंग और क्लासिफिकेशन की बात की है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले जो इसका मीनिंग और इसकी क्लासिफिकेशन की वीडियो है, एक बार वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है कि टीचिंग के अंदर हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। इंस्ट्रक्शंस देने से टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी कि मींस कि बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे को समझ में आ पा रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझा पाना और इसका यूज़ करना, दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। कि जितना अच्छा आप टीचिंग एड प्रिपेयर कर रहे हो, उतनी ही अच्छे तरीके से बच्चे को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो मैसेज आप बच्चे को देना चाह रहे हो, ठीक है। तो दोनों का यूज़ जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने का प्लस जो इंस्ट्रक्शन आप प्रिपेयर करके लेकर आए हो उसको बनाने का, ठीक है। दोनों का थीम पर्पस सेम होना चाहिए, तभी बच्चों तक सेम बात जो है वो पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला है कि हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि क्लासरूम के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप एक पैसिव होकर पढ़ाओगे कि सिर्फ आपने बोलना है और बच्चों ने सुनना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एड नहीं लेके आए, कुछ आपने डायग्राम या कुछ स्पेशल आपने क्लासरूम के लिए नहीं किया, तो बच्चे इंटरेस्ट अपना शो नहीं करेंगे, वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तभी छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो कलरफुल सी रखी जाती हैं, पिक्चर्स उसके अंदर डाली जाती हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो क्लासरूम में बना रहे, ठीक है। देन है हेल्पफुल इन मेकिंग क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि देखो बुक्स जो हैं वो एक एक्सपर्ट ने लिखी होती हैं, बच्चों को वो एक्सपर्ट की भाषा समझ में नहीं आती अपने आप से, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो बुक्स भी जो है वो एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही है, कि बुक्स में क्या बातें लिखी हुई हैं, सेम सेंस में बच्चों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। देन हेल्पफुल इन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, कि बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिल सकें, तभी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग खुद से भी देख सकते हो कि कोई भी क्लासरूम विदाउट बुक नहीं होगी, कि अगर टीचर क्लासरूम में आया है, उसके पास या तो उसके अपने नोट्स होंगे, या उसके पास कोई बुक होगी, या कोई वो चार्ट पेपर कुछ ना कुछ वो क्लासरूम में लेकर आएगा डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देने के लिए। विदाउट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन हेल्पफुल इन फिक्सिंग द नॉलेज, कि आपको बच्चों की नॉलेज को फिक्स करना है, उनको नॉलेज समझानी है, तो हम बुक्स का, ऑडियो विजुअल एड्स का या टूर एंड ट्रिप्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिल सके और उनकी नॉलेज जो है वो फिक्स हो सके। देन इट इज़ डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। अब आपको पता है कि टीचिंग के मैक्सिमम्स क्या हैं, कि नॉन टू अननोन तक जाना, ठीक है, ईजी टू कॉम्प्लेक्स तक जाना, नेचुरल चीज़ों से बच्चों को सिखाना। तो बहुत सारे मैक्सिम्स हैं टीचिंग के, वो हम अपनी टीचिंग के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आप रिवर्स चलोगे तो बच्चों की लर्निंग भी रिवर्स हो पाएगी, बच्चों को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को समझ में आए, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ मैक्सिम्स, की टीचिंग के मैक्सिम्स के ऊपर वो बेस होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से बनाकर नहीं ला सकते, ठीक है। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, कि अगर एक क्लासरूम में आप ऐसा कुछ लाए हो कि बच्चों की सेंसेस मैक्सिमम यूज़ हो रही हैं, अब ब्लैक बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली की अगर हम बात करें, तब भी वहाँ पर बच्चों की दो या तीन सेंसेस इम्प्रूव होंगी। एक वो लिखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और वो देखते रहेंगे। तो जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर बच्चों की मैक्सिमम सेंसेस यूज़ हो रही हैं, तो उस प्रोसेस में, उस लर्निंग प्रोसेस में ये माना जाता है कि वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर सिर्फ आप बोल रहे हो और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं उसको,
ठीक है। तो ये अजम्पशन है कि बच्चों को समझ में ज़्यादा तक डेप्थ में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों बोर फील हो जाते हैं, नीडस फील हो जाते हैं, वो पैसिव हो जाते हैं। आप तो बोल रहे हो लेकिन बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, कई बार ध्यान नहीं होता उनका, उनको हर वक्त टोकना पड़ता है। तो इस तरीके से वो टीचिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि जहाँ पर बच्चों का रोल पैसिव रहता है। एक्ट एज गुड मोटिवेटिंग फोर्स, जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जिस टॉपिक पे आपने ये एड्स प्रिपेयर किए हैं, फ्लैश कार्ड चार्ट बनाए हैं या आप कोई मॉडल लेकर आए हो, तो बच्चों की लर्निंग वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बच्चों को वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अब कल हम लोगों ने एड्स क्लास का एक देखा कि सिर्फ गुड सीड्स और बैड सीड्स के बारे में बताना था, तो एक एक्सपेरिमेंट डन किया गया सिर्फ बच्चों को। अगर हम उन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट में कनक के दाने लिए हुए थे, गेहूं के दाने लिए हुए थे, तो अब उसमें से आपको छांटने हैं। पूरा एक हीप था कनक के दानों का कि आपको यहाँ पर छांटने हैं कि बताओ कि गुड सीड्स कौन से हैं और बैड सीड्स कौन से हैं। तो अब छांटते हैं, अगर हम एक एक को उठाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट डन किया गया, पानी का बाउल मंगाया गया, उसके अंदर जो एक मुट्ठी भर के कनक के दाने डाल दिए गए कि जो दाने तह पर बैठ गए दीज आर द गुड सीड्स, और जो फ्लो कर गए पानी में ऊपर तैर कर आ गए वो क्या हो गए, फ्लोट कर रहे हैं जो, वो बैड सीड्स हैं। तो उनको निकाल के हम फेंक सकते हैं कि ये बैड सीड्स हैं, इनका फर्दर यूज़ नहीं है। जो गुड सीड्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम उनको रख सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था और बच्चे इसको देखो लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे कि जब भी उन्होंने गुड सीड्स और बैड सीड्स की पहचान करनी है तो वो इस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे एक्टिव रहेंगे, बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ मेरी बारी आएंगी, मैंने भी चेक करना है, मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँ। तो यहाँ पर हमने क्लासरूम के अंदर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखनी है ताकि टीचिंग हमारी बेटर हो सके। देन हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस स्किल्स, अब बच्चा एक एक्सपेरिमेंट देख रहा है, कल को उसको समझाने की बारी भी आएगी, आज सुनने की बारी आई है, जब डेमो देखते हैं तब वो ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे उनकी ऑब्जर्विंग स्किल इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट टाइम उनकी टर्न आएगी, वो उस एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, तब उनकी क्या है स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो रही है कि वहाँ पर एक्सप्रेशन वो दे पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, वो अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन करने के एबल हो रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में बच्चों की बहुत ज़्यादा स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। देन है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, जब भी कोई टीचर टीचिंग एड्स लेकर आएगा तो वो टीचिंग एड्स बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर होंगी। ये नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल के बनाकर लेकर आएगा, जो स्कॉलर बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को समझ आ सके, या बहुत लो लेवल का लेके आएगा कि हायर बच्चे का ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। कुछ चीज़ें आसान रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल रखी जाती हैं। जैसे बुक भी है, ये नहीं है कि सभी चैप्टर बहुत ईजी हैं, ये नहीं है कि सभी चैप्टर बहुत आसान हैं, मिक्स रखा जाता है, कॉम्बिनेशन रखा जाता है कि हार्ड भी हैं और ईजी भी हैं। और टीचिंग एड्स के साथ क्या होगा, टाइम और एनर्जी सेव होगी, यहाँ पर बच्चों की साइंटिफिक थिंकिंग इम्प्रूव होगी, यहाँ बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जो है उनका सोचने का तरीका प्रोडेंट किया जाएगा कि वो अपने आप से सोच पाएँ, सेल्फ एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा, चेंजिंग होगी ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर। अभी तक हम सिर्फ चॉक एंड टॉक की बात कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न स्कूल्स के अंदर, मॉडर्न क्लासरूम के अंदर बहुत सारे अपडेटेड इक्विपमेंट्स का यहाँ पर यूज़ हो रहा है ताकि टीचिंग लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। होप कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।